प्रदेश भर में बड़े ही धूमधाम से गुरु गोविंद सिंह की 356वीं प्रकाश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। इस पावन पर्व पर सिख समुदाय के लोगों ने गाजेबाजे के साथ ही बड़ी उत्साह के साथ जुलूस निकाला है और तो वही छोटी छोटी बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लिया है। बताना चाहेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जयंती के पावन पर्व पर महोबा नगर में आज सिख समुदाय के लोगों द्वारा ही गुरुद्वार परिसर में ही आने वाले लोगों के लिए आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तो वही 10वीं गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर नगर में बड़ी धूमधाम के साथ ही शोभा यात्रा निकाली गई है। सिख समुदाय के लोगों की माने तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे और सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। बताया जाता है कि उन्होंने सिख धर्म के लिए नियम बनाए गए हैं और इसका भी पालन बखूबी करना चाहिए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में स्थापित करने के साथ ही आगे लोगों को इसको पालन करने का भी पुरजोर समर्थन किया है। तो वही दमन और भेदभाव के खिलाफ ही हमेशा खड़े नजर आए हैं। सिख समुदाय के इस त्यौहार को सभी कौम के लोग मिलजुल कर एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। शोभा यात्रा के दौरान ही सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल भी यहाँ पर शिरकत करते हुए नजर आए और वही सिख समुदाय से छतरपुर, पन्ना, कानपुर, लुधियाना और पटियाला की संगत भी मौजूद रही। आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 356वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। हर साल महोबा गुरुद्वारा में मनाया जाता है, जिसमें छतरपुर से, पन्ना से, कानपुर से, लखनऊ से, हरपालपुर से और लुधियाना से, पटियाले से सारी संगत आई है। ये हम लोग सारे लोग मिलजुल के एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आपने पिछले दिनों में देखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी मिसाल पैदा की है, जो देश का आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है, उन्होंने वाकई इस साल कमाल करके दिखाया। देश की एकता को पूरे एक सूत्र में परो दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि उनके लिए सारे धर्म एक से हैं। उन्होंने 26 तारीख को बाल वीर दिवस घोषित करके जो एक पूरे देश को तोहफा दिया था, इस बार उस तोहफे को पूरा करके दिखाया। सारे सिख समाज को, सारे हिंदू समाज को, सारे धर्म के लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबको एकता, एक सूत्र में लेके चल रहे हैं।